अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीजर और वाटर कूलर के पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे या इस वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो जाकर अभी से देख लें ताकि दोस्तों आपको इस कोर्स की स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाए। तो आज दोस्तों हम पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इसकी दोस्तों क्या वजूहात हो सकती हैं, आपकी जो यूनिट है वो क्यों ज़्यादा आवाज़ करती है, क्या चीज़ें आपको चेक करनी होगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, वाइब्रेशन की वजह से ट्यूब्स का आवाज़ देना। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है, जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, पाइप होते हैं, वो आपस में टकरा रहे होते हैं वाइब्रेशन की वजह से। जो आपका कंप्रेसर है वो वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से ट्यूब्स आपस में टकरा रही होती हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ आ रही होती है। तो आपने दोस्तों इन ट्यूब्स को चेक करना है, अगर वो जुड़ी हुई हैं आपस में तो उनको थोड़ा सा फासला दे दें, तो इससे आपकी जो रेफ्रिजरेटर है वो खामोश हो जाएगी और जो आवाज़ है वो नहीं आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है, शिलोस का आवाज़ देना। शेलर्स दोस्तों वो होती हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर में नीचे खाने में जो जालियाँ होती हैं जिनके ऊपर शार रखी जाती हैं, वो भी दोस्तों अगर अपनी जगह पर सेट नहीं है तो वो भी आवाज़ दे रही होती हैं। तो आपने दोस्तों उनको भी चेक करना है, अगर जो है एडजस्ट नहीं है तो उनको एडजस्ट कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, डोर का ख़राब होना। बाज़ दफ़ा दोस्तों डोर जो है ढीला हो जाता है, या नीचे से जो उसके प्लग होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, या जंग की वजह से नीचे गाल सड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आवाज़ आ रही होती है डोर की। तो आपने दोस्तों वो चीज़ें चेक करनी, नीचे से डोर को हिला कर चेक करना है, अगर वो ढीला है तो उसके जो नट बोल्ट हैं वो उनको टाइट कर दें, तो इससे जो आपकी आवाज़ है रेफ्रिजरेटर की वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों कंप्रेसर का ख़राब होना, पॉइंट नंबर 4। अगर दोस्तों आपका कंप्रेसर अंदर से आवाज़ कर रहा है तो वो दोस्तों कंप्रेसर की आवाज़ होती है, उसके अंदर दोस्तों जो रूटर होता है या जो उसके वाल होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से भी आवाज़ आ रही होती है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आवाज़ आती रहे तो कंप्रेसर को चलने दें, और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए तो आप कंप्रेसर को रिपेयर करा लें, ठीक है, या उसको चेंज कर दें। तो ये दोस्तों आपने चीज़ें चेक करनी है, अगर आपकी रेफ्रिजरेटर आवाज़ दे रही हो या डिफ्रीज़र या वाटर कूलर, तो इन चीज़ों को आपने चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपने वीडियोज़ को लाजमी देखना है ताकि दोस्तों आपको समझ आती जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।